हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेके आया हूँ, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज जो हमारा जो वीडियो है, ये हमारी एक जर्नी का है जो शिमला टू झाकड़ी तक का वीडियो है। मैं आपको इसे दो पार्ट में दिखाऊंगा, इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। जब हम मॉर्निंग में जैसी कार के पास पहुँचे, उसके जो फ्रंट मिरर में आइस जमी हुई थी, तो हमें यहाँ थोड़ा टाइम लग गया इसे मेल्ट करने में। हमने पहले गाड़ी को स्टार्ट किया, उसके बाद गाड़ी को थोड़ा हीट अप होने दिया। हीट अप होने के बाद हमने ब्लोअर को ऑन करके मिरर को गर्म करके थोड़ी देर बाद जो है ऑटोमेटिकली जो है आई जो जमी थी मिरर पे वो रिमूव होगी। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं संजौली की तरफ जाएंगे, पहले वहाँ पे अपनी कार को ड्रॉप करेंगे। वहाँ से हम जो है अपनी सिस्टर की कार को लेके जाएंगे आज। गाइस, अब हम आगे क्यों निकल चुके हैं। मॉर्निंग में काफ़ी ठंड थी आज शिमला में, काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी। तीन चार दिन से यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो चुका है। सुबह है, दिन को गर्मी। गाइस, अब हम संजौली चौक पहुँच चुके हैं। यहाँ से लेफ्ट डाइवर्जन लेके हम वहाँ से नाबार की ओर निकलेंगे। अभी नाबार से थोड़े पीछे मेरी सिस्टर की कार पार्क थी, हम उस तरफ को निकल रहे हैं। अब गाइस, सनराइज़ हो चुका है, कितना ब्यूटीफुल व्यू है आप देख सकते हो। यहाँ पे पेड़ों के बीच में सन कितना अच्छा दिख रहा है। गाइस, यहाँ से हम अपनी सिस्टर की कार में जर्नी को स्टार्ट करेंगे और मैं अपनी कार स्विफ्ट को यहीं पे ही लगा दूंगा, ताकि शाम को हमें पार्किंग की कोई प्रॉब्लम ना हो। शाम को इनकी कार यहीं पे लगाऊंगा और अपनी कार को वापस घर ले जाऊंगा। मैंने कार को आगे ले जाके एक साइड पार्क कर लिया, इसके बाद जो है मैं अपनी कार को यहाँ पर पार्क करने जा रहा हूँ। बस आ रही है। रुको, चलो आ जाओ। आगे करो ना, तो मैं यहाँ कैसे बैठना, फिर थोड़ी आगे जैसे करो।
गाइस आज हम जा रहे हैं ज्यूरी। पहले हम अपनी मम्मी को ड्रॉप करेंगे इनके बुआ के घर चविशी वैली में, उसके बाद हम वहाँ से निकलेंगे ज्यूरी की तरफ। आगे आगे देखिए आप वीडियो में। गाइस हम सिंचौली चौक की तरफ वापिस जा रहे हैं। हम यहाँ से लेंगे दिल्ली टनल का रूट, वहाँ से सीधे निकलेंगे नारकंडा की तरफ। गाइस हमने सबसे पहले यहाँ पे पेट्रोल भरा कार में, फिर आगे की ओर निकल गए। आज जो है हम ओल्ड टनल से जाएंगे क्योंकि न्यू टनल में वन वे ही है अभी तक। एक साइड ओल्ड टनल से जाते हैं अभी भी, और जो है जब आप शिमला की तरफ आओगे तो आपको न्यू टनल से आना होगा। जब आप फिर नालंदा की तरफ जाओगे तो आपको ओल्ड टनल से जाना पड़ेगा। अब तक यही रूट है यहाँ का। गाइस जी ढली जंक्शन पहुंच गए थे हम। यहाँ से दो रोड डाइवर्ट होते हैं, एक मशोबरा की तरफ नालदेहरा, दूसरा जाता है कुफरी नारकंडा और रामपुर की तरफ। इस रोड से आप सीधा जाओगे तो किन्नौर और काजा भी निकल सकते हो। यही रोड जाता है, इसे NH5 कहा जाता है। गाइस हम पहुंच चुके हसन वैली, ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है। जब जो टूरिस्ट कुफरी की तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी रुकते हैं, काफ़ी क्राउड होता है यहाँ पे दिन के समय। गाइस आज मॉर्निंग में ऑलमोस्ट अभी ट्रैफिक कम है और जो ड्राइविंग करने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है, और मौसम भी काफ़ी ठीक है आज, उतना ठंडा नहीं है अभी मौसम, जो धूप लग रही है। गाइस हम पहुंच चुके हैं कुफरी। हम जाएंगे कुफरी बाईपास से क्योंकि अंदर अगर कुफरी मेन बाज़ार से जाते हैं तो वहां पे रोड काफ़ी कंजेस्टेड है, ट्रैफिक लग जाता है, तो हम प्रेफर करेंगे बाईपास से जाना। ऑलमोस्ट ट्रैफिक बाईपास से निकल जाता है, सारी बसेस ट्रक एंड छोटी व्हीकल्स। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं ठियोक। यहां से भी हम बाईपास से डाइवर्ट हो जाएंगे, न्यू बाईपास बना है ये, मैं भी इसमें फर्स्ट टाइम आ रहा हूं क्योंकि मैं अक्सर ओल्ड बाईपास से जाता था, अब जो है न्यू बाईपास बन चुका है यहां से। इससे ट्रैफिक में जो काफ़ी रिलैक्स मिला है। अगर हम ओल्ड जो ठियोका रोड है मेन मार्केट वाला अंदर वाला उसमें जाते तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता था, काफ़ी ट्रैफिक लगा रहता था वहाँ पे। कम से 10-15 मिनट तो यहाँ से सेव हो जाएंगे इस रोड से।
का ही जहाँ पे हम 5 मिनट्स के लिए रुके थे, थोड़ा रेस्ट करे थे यहाँ पे। गाइस, रास्ते में चलते हुए हमें एक ब्यूटीफुल व्यू मिला, हमने वो भी कैप्चर किया, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। गाइस, मैं अब आपको दिखाऊंगा मैं कितना एंजॉय कर रहा हूं ड्राइविंग करते हुए। कार में जो हमने अपना पहाड़ी कल्चर जो नाटी है वो लगाई थी, हम उसे एंजॉय कर रहे थे और मैं भी गा के एंजॉय कर रहा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था ड्राइविंग करते हुए सुनने का, तो मैं भी थोड़ा सा एंजॉय कर रहा था। और कार रोड यहाँ से ड्राइवर